फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है फ्राइड राइस। और इस राइस को सुपर हेल्दी हम कैसे बनाएंगे, ये बचा हुआ जो राइस होता है ना घर में, जो बच जाता है दोपहर में, है ना, तो उसे हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं और कैसे टेस्टी बना सकते हैं, तो आज हम रेसिपी में यही देखेंगे कि बचे हुए चावल से कैसा हम हेल्दी फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं विमला, मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक सिंपल से राइस को किस तरीके से हम यूज करेंगे वो मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और आपको ये रेसिपी बनाने के बाद में आपको इसके साथ और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी राइस को हम इसे कितना अच्छी तरीके से हेल्दी बना सकते हैं वो हम इस रेसिपी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इस कढ़ाई में हम ऑयल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो दो बड़े चम्मच ऑयल हम ऐड कर दिए हैं इसमें, और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए क्योंकि सरसों का तेल है तो इसे अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से क्रैक हो रहा है तो मैं इसमें ऐड करूंगी दो से तीन कली लहसुन की, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस गार्लिक को ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, इससे हल्का सा कच्चापन निकल जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे एक बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज का प्याज। और इसे हम रोस्ट करेंगे, और प्याज के साथ ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक छोटा सा आलू मीडियम साइज का। जैसे जैसे प्याज रोस्ट होगा वैसे ही आलू भी अच्छे तरीके से रोस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मन पसंद सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप हेल्दी सब्जियों को ऐड करें तो उससे बहुत अच्छा हेल्दी राइस बनेगा आपका। तो यहाँ पे मैं चार से पांच सब्जियों को ऐड करने वाली हूँ। तो बस देखिए वन बाय वन में कौन कौन सी सब्जियां ऐड कर रही हूँ। तो बस इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से रोस्ट करते रहना है। यहाँ पे आलू और प्याज अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे एक हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसे हम ऐड कर देंगे। तो आपको जितना स्पाइसी पसंद है उतना आप मिर्च ऐड कर सकते हैं, ज्यादा कम। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा समय लगता है इसलिए हम इस गाजर को आलू के साथ ही रोस्ट करेंगे। तो बारीक चॉप करें सभी सब्जियों को छोटा छोटा इस तरीके से, और इसे भी हम रोस्ट करेंगे कम से कम दो से तीन मिनट अच्छी तरीके से ढक ढक कर आपको इसे पकाना है। बीच बीच में हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ पर गाजर और आलू अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, जैसा भी आपका नमक का टेस्ट हो। मिक्स करेंगे हम नमक को अच्छे तरीके से, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और दो मिनट के लिए इसे ढककर टमाटर को गल जाने तक पकाएंगे। यहाँ पर टमाटर हमारे गल गए हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आप जो भी मनपसंद सब्जी हैं सभी ऐड कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके इसमें हल्दी सब्जियां ऐड करें। तो इसे हम मिक्स करेंगे, और साथ ही मैं चटपटेपन के लिए थोड़ा सा एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चावल को। ये राइस जो पका हुआ है और बचा हुआ था इसी को हम यूज कर रहे हैं, तो इसे हम ऐड कर देते हैं।
और इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जिससे इस राइस में जान आ जाएगी और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये है 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला, जो कि अक्सर हम सब्जियों में यूज करते हैं, और इसका जो स्वाद और फ्लेवर है वो राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आप इसे जरूर से ऐड करें और काफी चटपटा और फ्लेवरफुल और हेल्दी फ्राइड राइस तैयार होता है। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 मिनट के लिए ढककर स्टीम करेंगे। राइस को अच्छे तरीके से इसे गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइस हमारा रेडी है और इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से टेस्टी और फ्लेवरफुल और हेल्दी बनाया है। तो अब इसकी लास्ट फिनिशिंग जो करनी है ना हमें, तो वो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। इस तरीके से आपको लेना है ड्राई, और इसे हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और काफी फ्लेवर भी थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। तो देखने में खाने में दोनों में ही जबरदस्त मजा आएगा। तो बस इसे हम गर्मा गर्म इस फ्राइड राइस को सर्व करेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए हम इस राइस को गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जबरदस्त हमारा फ्राइड राइस और कितने अच्छे तरीके से हमने इसे बनाया है। काफी हेल्दी है, टेस्टी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ही सिंपल है और बच्चों को भी जरूर से पसंद आएगा। अगर राइस बच जाता है और आप सोचते हो कि यार इसका क्या करें, बस ऐसे फ्राई कर दे, तो बस आप जो है इसे सुपर हेल्दी बना सकते हैं। इस तरीके से मेरे बताए हुए ट्रिक से आप जरूर से इस राइस को इस तरीके से फ्राई करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से राइस को फ्राई कीजिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये हेल्दी सुपर हेल्दी फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आए, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।